हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फन टीडी विद श्रीवास्तव। दिस इज शशांक अगेन। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द प्रीवियस लेक्चर। स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी की बुक है। आपको मैंने पहले भी चैप्टर कराया था और हमारा कुछ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रह गया था एक्सरसाइज 8.1 का। 8.1 का एक्सरसाइज रह गई थी, तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1। इसमें क्या था, देखो ध्यान से। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। तो उसने यहाँ पे एक एंगल बनाया ऐसे करके, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो 90 डिग्री का एंगल हमारा बी बन गया। इफ टेन ए, यानी कि यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। तो यानी कि एंगल है ए, तो नेचुरल सी बात तो ये बन जाएगा सी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब इसने फाइंड करने को कहा, क्या फाइंड करना होगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, उससे पहले मुझे ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व हो जाएगा तब ये इसकी वैल्यू पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दोबारा से डायग्राम बनाया। ये ए है, ये बी और ये सी एंगल और ये राइट एंगल। अब इसमें हमने लिखा इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 गिवन। अब टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 ये भी गिवन है। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, टेन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो 1/√ यानी कि ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया। तो निकालना क्या है आपको, ये निकालना है। ठीक, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमने यहाँ क्या लिखा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। √ बनाया, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने यहाँ क्या किया, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 4, यानी कि ए सी जो है 4 हो गया √। अब ए सी का √4 कितना होता है, 2। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2। अब हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का हमने बना दिया, हमारा 2 भी आ गया, √3 और 1, तीनों साइड आ गई। अब उसके बाद हमने क्या किया, साइन ए। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या है, साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए है, साइन सी है, मतलब साइन सी और कॉस सी, साइन ए और क्या निकालना है, कॉस ए। तो मैंने क्या करा, फिर रेफरेंस एंगल ए साइन ए और कॉस ए, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यानी कि 1/√2 इसका हो जाएगा, और इसका √3/2। अब उसके बाद विद रेफरेंस एंगल सी, तो साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब साइन ए, साइन सी निकालना, सॉरी हमने क्या निकालना, साइन सी, सॉरी। तो साइन सी निकालने के लिए हमारे पास ये है, इसके सामने हमें, मैंने क्या बताया था, जहाँ पे एंगल होगा उसके सामने 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारा क्या है, एंगल, तो इसके सामने ठीक क्या बन गया, 90 डिग्री। तो इट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, तो ये क्या बन जाएगा, √3/2। क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बोला था, सिर्फ चेंजिंग किस में आएगा, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, ये होगा। अब कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये रहा कॉस सी, ये 90 यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस, तो यानी कि बी सी अपॉन ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। क्लियर हो गया। अब मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैंने लिखा था साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। साइन ए देखो कितना है, साइन ए 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना है, पूरा
कॉस सी वन अपॉन टू। अब ये कॉस ए कितना है, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर। और साइन सी कितना है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। तो हमने क्या करा, वन अपॉन फोर प्लस अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू थ्री, और टू टू जा फोर, तो एलसीएम लिया फोर, वन प्लस थ्री इक्वल्स टू फोर अपॉन फोर, कट वन। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस ए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, कॉस ए, कॉस ए देखो कितना है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और कॉस सी कितना है, वन अपॉन टू, माइनस साइन ए कितना है, वन अपॉन टू, साइन सी कितना है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। क्लियर, हमने यहाँ क्या करा, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन फोर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि जीरो आंसर। क्लियर, ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल सी, ध्यान से देखो, फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें ये देखना है कि हम लोग जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री, ये सब ये कैसे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं जीरो, थर्टी, फोर्टी फाइव, सिक्सटी, नाइन्टी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया, उसके बाद आप क्या करना, नीचे वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री फोर, सॉरी ये गलती से हो गया था, तो जीरो वन टू थ्री फोर करना आपको। उसके बाद हमने यहाँ क्या करा, अंडर रूट बना दिया सबका, हमने बना दिया। अब हमने इन सबको फोर से डिवाइड कर दिया भाई। अब इसी को सॉल्व करना कैसे, इसका कितना होता है जीरो, इसका कैसे होगा, देखो वन अपॉन अंडर रूट फोर, तो इसका कितना होगा, वन अपॉन टू, इसका क्या होगा, ये अंडर रूट टू अपॉन फोर है ना, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन अपॉन टू, और ये अंडर रूट, तो हमने इसको क्या करा यहाँ पे, वन अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है, अंडर रूट टू की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वन अपॉन अंडर रूट टू बन गया। अब 60 डिग्री का हमने क्या करा, ये बन जाएगा अंडर रूट थ्री, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर का कितना होता है, टू, टू बन गया। क्लियर है, अब उसके बाद ये यहाँ से कट गया, तो कितना हो गया, वन, समझ में आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, जीरो वन अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट टू, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा, वन, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थ्रीटा। उसके बाद हमारा लग जाएगा कॉस थ्रीटा, कॉस थ्रीटा में याद रखना, ये बनने के बाद अब ये वाला वन यहाँ जाएगा इसके नीचे, ये अंडर रूट थ्री अपॉन टू इसके नीचे, ये वन अपॉन अंडर रूट टू इसके नीचे, और ये वन अपॉन टू यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थ्रीटा, ठीक है। टेन थ्रीटा में आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, कि टेन थ्रीटा इज इक्वल टू साइन थ्रीटा अपॉन कॉस थ्रीटा। क्लियर है, तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जीरो पॉइंट वन, ये साइन थ्रीटा अपॉन कॉस बन गया, एग्जैक्टली वही बन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, तो नॉट डिफाइन कह देते हम लोग, मैं इसे सीधा लिख दूंगा एंटी, ठीक है। अब इसके बाद ये वन अपॉइंट टू है, ये थ्री अपॉइंट टू है, अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू, तो इसे ऐसे ही कर दो, अपॉइंट बना दिया हमने, टू से टू गया, तो क्या बचा, वन अपॉइंट अंडर रूट थ्री, समझ में आया। मैं बता देता हूँ, देखो टेन थ्रीटा यहाँ पे कितना था, देखो वन अपॉन टू अपॉन अंडर रूट थ्री अपॉन टू, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि ये पूरा कट गया, फोर्टी फाइव वन हो गया, अब ये टू से टू कट गया, कितना बचा, अंडर रूट थ्री। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जैसे मैंने अभी बोला था आपको। क्लियर है,
और देखो आपके सामने है साइन ए जीरो, वन अपॉन टू, वन अपॉन अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, वन सी, वन अपॉन टू जीरो, वन अपॉन टू, वन अपॉन अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, वन सेम आ गया ना। फिर कॉस ए का क्या करा इसने, वन यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, ये इसके अपॉन में ये रख दिया, ये इसके अपॉन में, ये इसके अपॉन में, ये करना आपको। तो जब भी ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री याद करनी जरूरी है, आप क्या करना अगर एग्जाम हो रहे हैं बोर्ड के पेपर में, तो यहाँ पे लास्ट में इधर लिखा होगा डू नॉट राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमने अभी पीछे करा था, पीछे लिखा होता डू नॉट राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे टेबल बना लो, और टेबल बना के आप उसकी डिग्री रख सकते हो। क्लियर है ना, जरूरी याद करने की जरूरत नहीं, इसे एक बार अच्छे से बना लोगे, बनाना आ जाएगा तो आप खुद कर सकते हो। दूसरी बात, अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था कि साइन कॉस और टेन, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक, यहाँ क्या आ जाएगा सेक, और यहाँ आ जाएगा कॉट। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक का जी ये जीरो है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये वन अपॉन ये कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट टू हो जाएगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वन का वन ही रहेगा। तो साइन का साइन थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। मैंने आपको बताया था रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल बताया था ना, तो यही करना है। अब इसी में आपका एक फॉर्मूला बन गया था साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन, याद आ गया, तो यही करना है आपको। आपने क्या अगर आप कोसेक थीटा का निकाला, यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन, सपोज अगर मान लो मुझे इसका निकालना है तो इसका क्या करूँगा वन अपॉन टू करूँगा, करूँगा नहीं करूँगा, तो यही करना आपको सेक थीटा का। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये जीरो पर जीरो है, ये कॉस थीटा का वन है ना, तो ये वन ही रहेगा सेक का भी। अभी अंडर रूट थ्री अपॉन टू है ना, तो ये क्या हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री, और यही करना हमने इस पूरी टेबल को। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में कि सपोज तो अब इसके बाद हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 8.2, इसमें लिखा है इफ 10x, मैं लिखवा देता हूँ, इफ 10x If x 10x 45 cos 60। अब यहाँ ये देखना आपको कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये तो हमें याद हो जाएगा धीरे धीरे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, जैसे भी हम करेंगे वो धीरे धीरे 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो याद हो जाता है। तो हमें याद कैसे करना है, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 √3/2। तो याद ये देखो यहाँ पे कॉस 60 है, ये रहा कॉस 60, तो 1/2 है ना, तो यही देखना है। ये मैंने आपको इसलिए करा, इफ अभी बता देता हूँ, एक्स 10 45 कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 60, देन एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ये मैं आपको टेबल और ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम से याद नहीं होती है। ठीक है, फिर भी आपको देख देख के करना पड़ेगा, एक दो बार करोगे अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, याद कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब ये देखो 10 45, देखो 10 और 45 ये रहा 1, तो हमने क्या करा एक्स इंटू 1, उसके बाद कॉस 60, कॉस और 60 1/2, तो ये भी 1 × 1/2। ठीक है, अब ये इज इक्वल है, तुम कहोगे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं इन दोनों का कंपैरिजन कर लेना। तो ये देखना है कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे देखो इज इक्वल बना दिया हमने, साइन 60 की वैल्यू देखो कितना है, साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 60 की वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, इसको अंडर रूट 3/4 इज इक्वल टू एक्स 2,
मैंने एक्स ये लिया अंडर रूट 3/4, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से यहाँ आ गया, तो 2 1 2, 2 2 4, तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। सी तो इसमें देखो कॉस 60 है ना, तो इसकी वजह से ये आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन बना सकता हूँ, इफ एक्स 10/45 कॉस 60। तो अब इसमें इफ एक्स 10/45 कॉस 60 इज इक्वल्स टू साइन 60 और कॉट 60, तो देन एक्स इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। तो वही एक्स 10/45 cos 60 इज इक्वल्स टू sin 60 और cot 60, ठीक है। तो हमने वही बनाया, x इज इक्वल्स टू 1 × 1 × cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, cos 60 की वैल्यू। अब देखो ये cos 60 की वैल्यू है, अब यहाँ से देखना 60, अब देखो 1/√3, क्लियर है, ये कटा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/2 1। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ये देखो पहले वाले में क्या आया, √3/2। अब तुम सोचोगे यार √3/2 कैसे आया और ये वन कैसे आया। अब ये देखो क्वेश्चन में डिग्री में फर्क आ गया, ये cos 60 था, यहाँ पे क्या है cot 60, तो ये रहा cot 60, आंसर आ गया हमारा। तो इसका ऑप्शन है हमारा 1, क्लियर है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan x इज इक्वल टू 3 cot x, देन x इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, अभी देखो इफ tan x इज इक्वल टू 3 cot x, देन x। तो इसमें आप क्या क्वेश्चन है, इफ tan x इज इक्वल टू 3 cot x, देन x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या करा, tan x इज इक्वल टू 3 cot x। सोचोगे कि यार ये कैसे होगा, कोई बात नहीं, tan x है ना, इसको उल्टा कर दो। हम क्या करते थे, cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x, बन गया ना, बन गया। तो हमने क्या करा, tan x इज इक्वल टू 3 × 1/10x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, और ये जो स्क्वायर है तो इसका क्या करोगे, इस अंडर रूट में भेज देना। तो ये कितना हो जाता है 10x, ये कितना हो जाएगा 1060, आप खुद देख रहे हो, ये देखो सी 1060 का अंडर रूट 3, क्लियर है ना। तो हमारा क्या होगा, अब ये को ये 10, ये 10 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 60। आज के लिए वीडियो इतने लिए काफ़ी, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं यही चाहता हूँ कि आप इसे कमेंट से कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितने ज़्यादा आप दोस्तों को दे सकते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।